हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम रउआ के सबनी के लेके आयल बानी कटहल के अचार बनाए के तरीका बताएं। तो एकदम देसी तरीका से कटहल के अचार बनाए के तरीका बताएं हम। तो चलिए हम देखी कटहल ले ले बानी एकदम देसी है रउआ सबनी के जैसे होखेला गाँव में हमारा घरे होला वैसन यह कटहल बा। देखा के चलिए अच्छा से काट लिया और तब हम बताएं कि एक रखे कटहल के अचार कैसे डालल जाला। तो चलिए पहले एक रखे कटहल के अच्छा से धो के काट। चलिए तो हम कटहल काट ले ले बानी। तो अब एक रखे हम हल्दी और नमक मसल के 8 घंटा 9 घंटा खातिर छोड़ दिए थे। तो कटहल के अचार डाले खातिर जितना कटहल रही उतका आधा आम ले लिए कच्चा आम कि एक में डाल के और मसल दिए। तो जितना कटहल रहे उतना हम कच्चा आम ले 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 बानी। तो जैसे आप 1 किलो का तो वो कटहल ले ले बानी तो ओकरा में आधा किलो आम डाल दी। 2 किलो ले ले बानी तो ओकरा में रुआ 1 किलो आम डाल दी। तो चलिए अब एक के क्या करब कि हल्दी और नमक अच्छा से एक में फेंट दिए आ 8-9 घंटा खाती एक के ढक के रख दिए अच्छा से फेंट दी। हाथ से फेंटी चम्मच से फेंट दी अच्छा है रउआ कुछ चीज़ से फेंट दी आ फेंट के एक में अच्छा से हल्दी और नमक मिसला जाए के चाहिए। अभी ने किया था लगल बा आधा नहीं खेल लगल तो गई काम से तो पानी ना छोड़ी एक के पानी छोड़वाए के बाद तो हल्दी और नमक अच्छा से मसल दे हम आ आम एक खातिर डाला कि कटहल अच्छा से गला दी और टेस्ट आई थोड़ा सा खट्टापन के ते खाती आम डलाला। आ गाँव में जाता तो तर आम कटहल के अचार ऐसा नहीं डलाला। एक बार हुआ बना के देखिए बहुत टेस्टी लगेगा आराम से। चलिए तो हम आम और कटहल के मसल दे ले बनी। अब 8-9 घंटा खाती पानी छोड़े खाती एक के आराम से ढक के छोड़ दे हम। तो चलिए 8-9 घंटा के बाद देखल जाए। चलिए तो हमार कटहल के काटल 8 से 9 घंटा ढक के हल्दी नमक करके रख दे ले बनी और देखल जाओ पानी छोड़ दे ले कि क्या हल्का हल्का तो लगत है कि पानी छोड़ दे ले जैसे रुआ रात में शाम में काटम न तो रात भर हल्दी और नमक पे रख दे हम ऐसे कहा कि देखिए हल्का हल्का पानी छोड़ दे ले ये तरीका से हमें ज़्यादा आम रही तो आम ज़्यादा पानी छोड़ेला कटहल है तो सूखल खाखल रही। अब एक के हम धूप दिखा दे हम धूप दिखाई में खाती कि कटहल में अगर हल्का भी पानी रही ना तो अचार खराब हो जाए तो एक के अच्छा से धूप दिखा दे वो भी छत के जो छत होके तो छत पे अच्छा डगरा में करके सूप में करके परात में करके एक गो पसार दिए। तो चली पसार चलता हम परात ले 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 बनी छत पे नीचे जाए के ओके आई डाल दे हम छत छान पे सूख जाए। ये तरीका से अलग अलग करके सब कटहल के रो डाल दी हूँ ताकि पानी अच्छा से सूख जाए। अगर अच्छा से पानी सूख गए तो रो सालों भर का 2 साल आराम से एक रख सकनी अचार के वो ख़राब ना हो कि आ जो चीज़ अच्छा से रुआ बनाई मन से बनाई वो कभी ख़राब ना हो खेला ये तो हम मान चुकल बनी मैंने रो लोग अपन पतिया ले हम जा कि अच्छा से रो कोई चीज़ मन से बना दी वो दिल से खुश हो जा रहा मन। तो चलिए ऐसी तरीक़ा से अलग अलग अभी नहीं कि सटा सटा के वैसे से रखे के बनाए करके अलग अलग ऐसे से करके रुआ रखम तो जल्दी सूख जाला कहे कि गैपिंग में भी धूप लगे ला एक चलते गपिंग मतलब कि एक में जो नीचे के खाली जगह होगा वह में धूप जाला तो ये चलते जल्दी सूख जाला। अगर सटा के रखम तो धूप जाई ना सटल का चीज़ में धूप लगी ना वो सूखी ना तो अलग अलग करके ये तरीके से डाल दें हम लोग भी डगरा होके परात होके आ ना होके तो छत पे चटाई बिछा के आराम से वो सूखा दी तो बहुत ज़्यादा होगा ना होके तो छान पे रख दी बस सूख जाए अच्छा अंगना उंगना होके तो अंगनों में डाल दें तो सूख जाए। चलिए तो हम सब ऐसे ही अचार के डाल देता नहीं। चलिए आम और कटहल हम आराम से सूखे के डाल दे ले बनी ये तरीका से अब वो डाल दे हम अगर बनाओ सब बनाओ तनी तब अलग अलग करके डाल दे हम। अब एक रखे 2-3 घंटा घाम में आराम से सूखे दे हम तब हम बताओ तनी कैसे कटहल के अचार डलाए। तो चलिए एक रखे सूखे के डाल दिया। चलिए देखिए हमारे 3-4 घंटा में कड़क धूप में कितना अच्छा से कटहल और आम सूख गई बड़ी सर। तो यही तरीका से अगर कटहल और रेसा सूख जाए तो समझे कि अचार और बहुत बढ़िया हो कि सड़ी ना तो एक हो खेला कि फंगस लग गया फुफूदी
जो होखेला उजर उजर उ लग जाए। तो यही तरीका से हम एक सुखा ले बन जाए। अब तो चलिए एक मसाला तैयार कर जाओ। तो पहले एक बर्तन में एक के जिस चीज़ में हम मसलब वो चीज़ में डाल लिया। तो उकरा खातिर हम बर्तन ले लेते नहीं आ एक दो दिन यही बर्तन में अचार ही रही। ओकरा बाद डाल जाए जार में। तो सबके में डाल दिया। चलते ही बहुत बढ़िया से सूख गई बा। रहो ज़्यादा बनाओ तो नहीं तो ज़्यादा देखिएगा। अचार सब सूख गई बा। अब मसाला तैयार करिएगा। चलिए तो कटहल के अचार खाती हम इतना सामान ले ले बनी डाले खाती। तो हमारे एक ही किलो कटहल रहे वही हिसाब से हम सामान ले ले बनी। जैसे हम ले ले बनी जवाइन मंगरई एक चम्मच, फिर सौंफ पाउडर एक चम्मच, मेथी दाना एक चम्मच, धनिया खड़ा धनिया एक चम्मच, आधा चम्मच हींग एक चम्मच हम ले ले बनी हल्दी पाउडर कहे कि हल्दी हम निकल लगा के डाल दे ले रहे हैं। फिर हम ले ले बनी ये है जीरा खड़ा जीरा एक चम्मच, और फिर है दो चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर और सरसों काला वाला सरसों ले ले बनी रो चाहिए तो पीला सरसों भी ले सकता नहीं वो ले ले बनी तीन चार चम्मच। अब आधे आधा के हम भून ले हम आधा के हम पीसल बा। तो चलिए हम ये सब के पहले आधा के भून लेता नहीं। तो जैसे हम धनिया उनिया के भून लेता नहीं। चल तो भुने खाती हम पेन बैठा दे ले बनी। ओकरा में पहले हम भूलम है जीरा सब एक साथ भून लेने के बाद ओकरा बाद डाल दें हम धनिया, फिर हम डाल दें हम मेथी हल्का हल्का ये सब के हम भून लेता नहीं ज़्यादा नहीं के भुने के हल्का खुशबू आए तक ले भून हम। ये थोड़ा थोड़ा सामान एक किलो अगर राल कटहल हो गए तो उतना खाती एक एक चम्मच काफ़ी बन ज़्यादा ना अच्छा से एक रखे हम भून लेता नहीं। चलिए तो देखिए खड़ा मसाला हल्का हल्का इलल छौ पे हो गया बा। अब एक में डाल दें हम सरसों। सरसों के ज़्यादा नीचे भुने के थोड़ा सा भुने के बाद तो हम थोड़ा ही सब भून एक के ज़्यादा नहीं दो से तीन मिनट तक ले ऐसा भून के भून ले गए। चलिए तो हमारे सरसों अच्छा चाहिए भुना गया मसाला गैस के बंद कराम एक रखे कुछ देर के ठंडा चली तो हमारा मसाला ठंडा हो जाए। अब एक में जार में डाल के पीस लेता है। अच्छा से एक रखे बारीक पीस लेने के बाद चलिए तो हमारे मसाले अच्छे से पीस गए हैं। अब डालते हैं सारे मसाले कटहल में। ये सारे मसाले हम जो पीसे थे ये कटहल में डाल देंगे। चलिए तो हम मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल देंगे सौंफ के पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, फिर ज्वाइन मंगरा, उसके बाद हींग स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें तेल डाल के अच्छी तरह से मसल देंगे हम। तेल कम ही डालें जब डाल जार में आप जिस दिन रखेंगे उस दिन इस कटहल में तेल भर के आप जार को लॉक कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए हमारा अचार अच्छा से मसला गई बा। इसमें तेल कम लगा था तो इसमें और तेल डालते हैं। हाथ से ग्लास टांग के या तो चम्मच के सहायता से अच्छा से अचार मसल लेंगे। चलिए तो हमारा अचार मसला गए। अब एक के दो तीन दिन घाम में दिखा दे हम और देखने के बाद एक के जार में बंद कर दे हम। तो बताइए हमारे कटहल के अचार और की रेसिपी कैसा लागल। तो अच्छा लागल तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और सब कोई के जी हमारी रेसिपी देखकर सब कोई के धन्यवाद और प्रणाम। तो फिर आए एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के तहत। तब तक रे सब कोई के प्रणाम।